गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हूँ सब अच्छे से होंगे। और देखिए कितने सुंदर से मैं आपको फूलों के दर्शन करा रही हूँ। क्रेनबेरी हिबिस्कस वाइन कलर का ब्यूटीफुल फ्लावर है आज गार्डन में। तो आज मधु ने बनाया है ब्रेड पकौड़े और ये है चटनी। ना किसकी है रे? आलू टमाटर की चटनी है और वो है मट्ठा और ये है अपना काकू। तो महेश भैया है पीछे से सुरती दबा के। खैर बच्चों को पसंद ही आती है। तो आज मधु का बन रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में है ब्रेड पकौड़े। तो ये बैटर बेसन का है मधु। क्या हाल रहा है? ये बेसन से मैं थोड़ा अजवाइन डाला और कड़ी पत्ता डाला और आलू। ये आलू कौशल को बहुत पसंद है मेरे बेटे को, इसलिए आलू भरवा वाले बनाए हैं। और देखो भाई मैं कड़ी पत्ता डाला। बस खास मेन है कड़ी पत्ता, बहुत भरो कड़ी पत्ता, विटामिन भी। हाँ बता फिर कैसा बनाया है। मैं आलू बॉईल किया, जैसे समोसे के लिए बनाते हो आप लोग, वो बनाया। सबसे मेन इसमें कड़ी पत्ता डाला। आजकल मेरा जोर चल रहा, घर आई ना घर दिल्ली में पैसल मिलो को कड़ी पत्ता मेरे घर में फ्री में ला लो। तो हर चीज में कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। इसकी सुगंध से क्या होता है, बच्चे खा लेते हैं, खाते हैं मजे से, बहुत स्वादिष्ट होता है। और ये मैंने ऐसे बनाया, फिर इसको ऐसे करा और डुबकी लगाया कर ब्रेडर बेसन में डुबकी लगा दे, ठीक छे। फिर ये बाद ये निकालो ये देखो गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े। और ये फिर ये डुबकी को लिया, डुबकी को लिया इसमें तेल में डाल। हाँ, ये मैं नहाने के लिए छोड़ दिया इसको। अब ये नहा के आएगा, नहा के आते समय ये पीला दिख रहा है, नहाने के आते तो भूरा दिखेगा, ठीक है। तो आज मेरा ब्रेकफास्ट यही है। क्या बोलना? अच्छा एग्जॉस्ट लगा दिया, मेरे को नहीं पता। नहीं क्या पता है, जब मैंने बोला ना चटनी, तूने बोला ना कंफ्यूज हो जाती चटपटे और तीखे में। तो ए बंदर तो अब हम आ गए हैं बाजार। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और दानी आए बाजार। दानी ने बोला बाजार चलो, तो मेरा भी कुछ बुटीक से रिलेटेड काम था, कुछ लाइनिंग लेनी थी और कुछ डाइंग के लिए दिया था। और सबसे पहले हम ले लेते हैं माता जी के लिए ये तंबाकू। लाल मणि खीमदेव जी की दुकान है ये, काफ़ी पुरानी है और माता जी शुरू से ही यहीं का तंबाकू खाते हैं, क्योंकि माता जी के तंबाकू का टेस्ट अलग है। तो अगर कभी कुछ दूसरा भी ले जाओ तो वो उनको पसंद नहीं आता, तो यही पसंद आता है। और उसके बाद हमने अपना जो ढोलक है उसको ठिकाना था, उसको थोड़ा सा ठीक कराना था, रिपेयर कराना था। तो ये आ गई हूँ मैं, जो सरस्वती इंस्ट्रूमेंटल जो रिपेयरिंग वाले हैं अपोजिट वेटनरी हॉस्पिटल, तो ये हम वहाँ आ गए। तो इनको दे दिया है, इन्होंने बोला आप आधे घंटे के बाद ले जाइए। तो हम दोबारा से आते हैं। और अब कुछ ले लेते हैं लाइट्स घर के लिए।
वैसे काफ़ी सारी घर में लाइट्स हैं, लेकिन कुछ पैकेट उसमें ख़राब हो गए थे तो उनका रिप्लेस के लिए चाहिए। तो ये है एक एयर डिफ्यूज़र ले लेते हैं। और भी मुझे भैया एक सफ़ेद मटर का बीज चाहिए था। सफेद मटर तो वो ही आपकी छोटे पेड़ की चाहिए, क्योंकि आंटी आई थी वो तो बेल वाली मांग रही है। हाँ, बेल वाली आने। तो मैं ले लेती हूँ कुछ बीज अपने ग्रो बैग के लिए, जो अपने रूफटॉप गार्डन में मैंने ग्रो बैग्स रखे, उसमें कुछ सब्जियाँ तो लगी हुई हैं और कुछ सब्जी लगानी बाकी है जो विंटर्स की हैं। एक्चुअली बारिश की वजह से सब चीज़ डिस्टर्ब हो गया था, पहले लगाए थे फिर वो ख़राब हो गए, बारिश आ गई, फिर अब दोबारा से लगाए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्जी नहीं लगाई है तो आप लोग भी लगा लें, और मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट दें, प्यार दें।